जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, एक न एक बहाने, कहावत हिले रूही बहाने मऊ, एक संदेश जनता को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लड़ाई बाबा साहब करके हमको दिया, हम अपने रोटी कपड़ा मकान सुखा लवाई, इसके लिए हम लोग जनता को बराबर हम लोग प्रेरित करते हैं। इसी वजह से आप लोग भी सुनते होंगे चट्टी चौराहे पर कुछ लोग गाली दे के नाम ले रहे हैं, कुछ लोग सम्मान से नाम ले रहे हैं। जब मुसीबत आती है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो किसी को भूत परे चुड़ही डाइन बरम सताता है, अब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब इस समय जिसकी राजनीति जा रही है तब वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। अब इधर आप समझिए, अभी धीरज सामने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद 200 करोड़ से अधिक रुपए नकद बढ़ गए, अभी भी गिनती चल रही है। मशीनें खराब हो जा रही हैं, यही तो दुर्गति है। देखिए विपक्ष के लोग जो आज एक गोल बनाए, जब कोई बात चाहे देश के प्रधानमंत्री जी कहें चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहें, तो लोग मजाक समझते हैं। मशीन थक जा रही है नोट गिनते गिनते। वो कौन लोग हैं जो विपक्षी एकता बनाए, वही लोग बोलते हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल, वही लोग ने कह रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये इतने विपक्ष के लोग इकट्ठा हैं, ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं, ये जनता को लूट करके पैसा इकट्ठा किया। जो सवाल आपने किया, 300 करोड़ से ज़्यादा गिनती हो चुकी है, बड़ी मशीन छोटी मशीन खराब हो गई, बड़ी मशीनें मंगाई जा रही हैं, इतने रुपये क्यों रखे हो? अगर ईडी सीबीआई जांच कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है? तो ये जितने लोग इकट्ठा हैं ये अपना जान बचाने के लिए। अच्छा, अभी एक लोकसभा सांसद को सदस्यता रद्द की गई, काफ़ी हमलावर है विपक्ष। देखिए वो अदालत का मौका, अदालत से जो फैसले आ रहे हैं वो आपको सब, विपक्ष अगर हमला हुआ तो विपक्ष वो 300 करोड़ वाली की जबान नहीं खुल रही है, उस पर तो नहीं हमलावर होता है। वो सब इकट्ठे हैं एक गोल में, गोल वाले हैं, जितने गोल में हैं सब लूटने वाले हैं। और मैं तो देख रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश का चुनाव का अगर थोड़ा सा झलक देखेंगे तो सपा के नेता ने क्या बोला, कांग्रेस को लिख चालू पार्टी है, इसे सावधान रहना, इसको वोट मत देना, ये भाजपा की जीत है। कांग्रेस वालों ने क्या कहा, सपा समाजवादी पार्टी भाजपा की जीत है। अब तो मैं कहता हूँ लोगों के लिए दो लाइन का दोहा बना कि विरोधियों ने खाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, उदाहरण मध्य प्रदेश देखिए, दिन में ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को शरणम रक्षा कि हमारी रक्षा करिए, दिन में खाली बोलने की छूट दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, जैसे कहेंगे वैसे लड़ेंगे। क्या किया मध्य प्रदेश में समाजवादी और जदयू के लोगों ने, कांग्रेस को हराने के लिए ही नहीं लड़े, गठबंधन किस बात का है, आप समर्थन क्यों नहीं खुल के करते? इसी नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है हम तो मोदी जी योगी जी को सट के सहयोग कर रहे हैं और अखिलेश जी बेचारू हट के कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।